एक नौकरी नहीं जे दिन से लागल से दिन से हमने हिया कम से कम 10% लोग मर गए जवान। ऐसे विधायक को वोट दीजिएगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कौन जानता है कि बिहार घर में मार भात होता है ना तो डुबा लेकर जाएंगे। एक बार आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो वर्तमान यहाँ के विधायक है अमर कुमार बावरी जी, उन पर भी बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि उनको भी महीना बांधा गया। प्लेटफॉर्म के थ्रू से हम लोग इसके लिए जो भी करना होगा, चाहे सिंगूर बनाना पड़े, सिंगूर बना करके इसको हटा हटा। महिला हो, जेंट्स हो, पूरा ग्रामीणों के साथ हम लोग आंदोलन जो करेगा उसमें हम लोग सहमति है। चाहे हम लोग को जो करें, हम लोग उग्र आंदोलन एक दिन कर ही लेंगे। कंपनी रहेगा चाहे हम लोग यहाँ के आम जनता रहेगा। ग्रामीण टीवी में हम आप सबका हम स्वागत करते हैं। और जिस तरह हम लोग वोट देते हैं, विधायक बनाते हैं और वो विधायक मंत्री जाके बन जाता है, फिर सांसद बनाते हैं और वोट देने के बाद हम लोग दोबारा याद नहीं करते। आज देखिए वेदांता कंपनी जो रवैया अपनाई है, यहाँ के रैयतों का ज़मीन चली गई और ना उन लोगों को उस ज़मीन का अच्छी तरह मुआवजा मिला ना नौकरी मिली, उसको लेकर चिंतित हैं। देखिए हमारे बोकारो ज़िला में जो कांग्रेस के विचारक हैं, उनके नेता हैं और यहाँ के लोगों की तकलीफ को मिटाने के लिए, और सरकार जो नोटिफिकेशन जारी की है कि यहाँ के जो भी कंपनियाँ हैं 75% नियोजन देना है यहाँ के लोगों को, लेकिन नहीं मिलने के कारण आज कंपनी जो है कि एक अलग रवैया अपनाने का कारण, मुख्य वजह क्या है कि हम लोग ऐसे लोगों को वोट देते हैं। ये काम विधायक का है यहाँ का, ये काम यहाँ के एमपी का है, लेकिन वो लोग इस बात को नहीं सुन रहे हैं। तो आइए हम बात करेंगे जो चिंतित हैं, जो यहाँ के लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, आखिर उन लोगों का क्या कहना है। और सबसे पहले हम बात करवाते हैं आपको, ये जिला बिसुतरी के उपाध्यक्ष हैं देवाशीष मंडल जी। बताइए देवाशीष जी, ये दुर्भाग्य की बात है, हमारे ये जो ये क्षेत्र है जिस क्षेत्र में लोगों की ज़मीनें चली गई, उनका मुआवजा अच्छा से नहीं मिला, लोगों को नौकरी नहीं मिली, ये कब तक चलता रहेगा? आप लोग समय आता है तो बैठ के विचार मंथन करते हैं, इसी तरह विचार मंथन होगा कि क्या स्टेप है आप लोगों का? देखिए आज हम लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस वार्ता में, आज कोई चुनावी समय नहीं है, ऐसे समय पर हम लोग आए हैं और गांव का इस क्षेत्र का पूरा दौरा हम लोग किए हैं, चाहे बासा बांधड़ी का दौरा किए हो, चाहे इजरी नदी का किनारे किनारे जो गांव है उसका भी हम लोग दौरा किए हैं, साथ साथ यहां के रैयत बेरोजगार साथी एवं असंगठित मजदूरों लोग से भी हम लोग चर्चा किए। चर्चा करने के बाद में जो निष्कर्ष आया तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारा गठबंधन सरकार का जो सबसे पहले ये महत्वाकांक्षी योजना जो 75% बेरोजगारों को रोजगार औद्योगिक संस्थान दे, तो जब हम लोग आकलन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का 15-17% लोग जो हमारा स्थानीय है उसको उसमें नियोजन मिला हुआ है, बाकी वो बाहरी लोगों पर भरोसा है, बाहरी लोगों को ला रहा है और हमारे स्थानीय मजदूर जो कार्यरत है उसके साथ भेदभाव रवैया अपनाया हुआ है, बाहरी मजदूर को ज़्यादा पैसा दे रहा है और हमारा स्थानीय मजदूर को कम दे रहा है, और स्थानीय मजदूर को धमका कर काम लिया जा रहा है कि अगर वो 12 घंटा काम उसका निर्देशानुसार नहीं करे तो कल का बाद में वो ठेकेदारी को हटा देता है कि तुरंत काम से इनको हटा लो। तो ये जो परिस्थिति हम लोगों ने देखा, तो देखने के बाद हम लोग वर्तमान गठबंधन का सरकार है और इस सरकार में निश्चित रूप से जनहित पर एक से एक योजनाएं सरकार द्वारा ली जा रही है। आपने देखा होगा वर्तमान समय में 32 खतियान भी लिया गया, 27% आरक्षण भी दिया, ये इस तरीके का जब कार्यक्रम हम लोगों का बीच आया तो क्षेत्र का लोगों का भी मनोबल बढ़ा और हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ का जनता के हित में गठबंधन सरकार में रहने के नाते कांग्रेस को भी पूरी जिम्मेदारी निभाना चाहिए और उसे निभाने के तौर पर आज हम लोग आपका सामने यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग भी चाहेंगे कि इसमें प्रेस बंधु चौथा स्तंभ है,
आप लोग का भी दायित्व है कि क्षेत्र में जो गाड़ी चल रही है प्रदूषण का धूला आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और इस धूला से देखिए दुकान सब बंद है। इस दुकान का जो मालिक है वो घर बनाकर दो पैसा पूंजी लगा के दुकान करेंगे और दुकान नहीं खोल पा रहा है। ये प्रबंधन का जो रवैया है, प्रबंधन का जो मार है, उससे जो लोग झेल रहा है उससे निजात दिलाने के लिए हम लोग क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं आप लोग की तरफ से? देखिए दो तीन चीज़ हम आपको बताते हैं जी। एक तो एकदम एक तो जो प्रदूषण जो है इसके संबंध में राज्य प्रदूषण बोर्ड के जो चेयरमैन है और सदस्य सचिव जो है उससे हम लोग मिलकर स्थानीय लोगों के सामने उसका जांच कराते हुए प्रबंधन पर उचित कार्रवाई कराने का व्यवस्था हम लोग करेंगे जो प्रदूषण से संबंधित है। दूसरी बात है कि जो बस के माध्यम से ये जो बाहर में हम लोग का एक उम्मीद था कि एक इंडस्ट्री जब बैठ रहा BSL बैठा तो बहुत बड़ा एक टाउन बैठा, तो ऐसा यहाँ पर वेदांता कंपनी जो चला रही है ये अगर अपना कार्यरत मजदूर और पदाधिकारी को यहाँ पर बैठाए तो यहाँ भी एक शहर बस सकती थी, और वो शहर बसने के सोर्स ऑफ इनकम का बहुत सारे रास्ता होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सबको नियोजन दे के हम रोजगार दे सकते हैं, रोजगार के अलावा शहर बसा के भी हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर इस पर प्रबंधन काम नहीं करेगा तो जरूरत पड़ेगा तो उसका बस गाड़ी बंद करने का भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर कि हमारे सम्मानित उपाध्यक्ष सूत्री कार्यक्रम कारण समिति जिला बोकारो सह प्रखंड अध्यक्ष चंदन कैरी श्री देवाशीष मंडल जी ने आप सभी को बताया बोकारो के मूल निवासियों को हमेशा कंपनियों द्वारा छलने का काम किया गया। अब ये बोकारो स्टील प्लांट की बात हो या वेदांता की बात हो, वर्तमान में वेदांता के विषय में जो बात आ रही है यहाँ के रैयतों ने बहुत ही उत्साह के साथ एक विश्वास के साथ कंपनी को अपनी ज़मीन औने पौने दामों में दिया ताकि उनका बेहतर भविष्य बेहतर हो सके, सुरक्षित हो सके। और मिला क्या यहाँ के मूल निवासियों? यहाँ के मूल निवासियों को असुरक्षित जीवन और प्रदूषित वातावरण कंपनी के द्वारा उपहार स्वरूप दिया जा रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि यहाँ के ग्रामीणों को कोई भी कंपनी अपने आप 75% नियोजन देगा, मुश्किल से 15-20% का नियोजन है और वो भी असुरक्षित है, कब कंपनी अपना हिटलरशाही रवैया अपना के निकाल दे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर यहाँ के संबंधित जनप्रतिनिधियों का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। यहाँ के वर्तमान विधायक पूर्व विधायक की कहीं ना कहीं कंपनी के साथ मिली भगत है और कंपनी अपने आप को सोच रही है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से वेदांता के अधिकारियों को ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में महागठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है और हम सभी यहाँ पर उनके अंग हैं। अगर वो अपने सिस्टम में सुधार ले आए तो बेहतर है, ये तो सिस्टम को सुधारना हमें भली भांति मालूम है, वो बहुत जल्द हमारे निशाने पर आ जाए। सबसे बड़ा समस्या हमारा है वेदांता कंपनी के विषय एवं सबसे हमरी जो रोड साइड बासा बंदी धंधा पर रखकर जनता जो रोड साइड बसी के और घर तर बनाए के रूमे भाड़ा बसु वाली या दुकानदारी के दर समय कर रहा थी सेटा बाज प्रदूषण कोयला डस्ट के चलते बंद भई गए। तो पानी तो हमें देखे बराबर रोड पे छिटबे करो लागे सुबह शाम थोड़ा सा छिमकाई दे है एकर में कोनो प्रभाव डस्ट के ऊपर नहीं पड़ो है। तो की करल जेते एकरा प्रदूषण बंद करल जाक, ओवरलोडिंग बंद करल जाक। और आज यहाँ बांदी से लेके बांदी मोड़ तक मोटा मोटी 1.5 किलोमीटर ये प्रदूषण और ये डस्ट से हम लोग प्रभावित है। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? बचने के लिए हम प्लान, हाँ रेल लाइन से जितना है सब लेके चले जाए। यहाँ पे जब ये साइडिंग बना है गाड़ियाँ चलेगी निश्चित है कि डस्ट उड़ेंगे या प्रदूषण विभाग ये इनका उपाय क्या होगा ये बताएंगे? देखिए इसका क्या उपाय चाह रहे हैं, समाधान क्या चाहिए? ओवर लोडिंग कैमरा जी क्या क्या बोले भाई जी, गाँव के लोगों को देखिए बोल रहे हैं कि ओवरलोडिंग जो माल जा रहा है ऊपर से हाईवा के ऊपर से वो माल नीचे सड़क में गिर रहा है,
पीछे से गाड़ी आ रही है, ओवरलोडिंग बंद हो, बंद कराया जाए ओवरलोडिंग, और साइडिंग को यहाँ से बंद कराया जाए, क्योंकि रोड साइड साइडिंग है, प्रभावित रोड में पड़ता है, साइडिंग को यहाँ से बंद कराया जाए। साइडिंग बंद कराने की मांग हो रही है जी। कौन है? मेरा 10 रूम है भाड़ा में, जो कि 14-15 हज़ार महीना में भाड़ा उठता था, और उसमें मेरा पारिवारिक संसार में खर्चा होता था। लेकिन एक साल से 10 रूम बंद है, 14 हज़ार मासिक हमारा आय खत्म है, जो कि असर पड़ा है मेरा परिवार में। इसका भी कंपनी और प्रशासन से मैं मुआवजा मांगूंगा कि एक साल पहले से मेरा मुआवजा दिया जाए, ताकि मेरा संसार चल सके। यही मेरा संसार चलने का एक रास्ता है। तो ये इंडिविजुअल मांग नहीं है क्या? ना, एकदम सही मांग है। ऐसे कई एक लोग हैं जो, और ये इंडिविजुअल मांग नहीं है, यहाँ के सैकड़ों लोग इस कारण से प्रभावित हैं। ऐसे ऐसे कई लोगों का जो है कि दुकानें बंद हो गई, ऐसे कई लोगों की दुकानें बंद हो गई। हाँ, आपका कहना? ऐसे चार गांव के रोड साइड में जितने घर है, चार गांव के, बासा, बांदी, धंडा बरल, कुसामोर तक। आप लोग क्या करेंगे ये बताइए हमको शॉर्ट। हम लोग अब सोचे हैं, जैसे अब मानव श्रृंखला देखे ना, थे 1 लाख आदमी का लाइन। अब ये संभव है कि अधिकार का बारे में झारखंड के लोगों का चेतना जगा है कि अधिकार मेरा क्या है। बिल्कुल, हम इसमें सहमत हैं। ये अधिकार बारे में झारखंडी लोग जानता ही नहीं थे, लेकिन अब जाना है कि हमारा अधिकार क्या चीज है। इसलिए अधिकार का लड़ाई हम लोगों को लड़ने के लिए अब सीख गए हैं। वेदांत को होशियार हो जाना चाहिए, नहीं तो सिंगूर से जैसा टाटा भागा था ना, उस तरह इसको भी भागने का समय आ जाएगा, जिसको इसको बचाने का कोई नहीं रहेगा। यानी कुल मिलाकर बात सामने आ गई है, जो भी वेदांता कंपनी के प्रबंधक हैं, बात को आप ध्यान से सुन लीजिए कि भैया कल तक जो भी रवैया आप अपनाएं, लोग सहन करते चले गए, लेकिन अब हमारे यहाँ के स्थानीय लोग जिनकी ज़मीनें चली गई है, अगर उनको आप किसी तरह अधिकार से वंचित करेंगे, तो इसका खामियाजा आपको अच्छी तरह भुगतना पड़ेगा। बच्चा बच्चा आज अपने अधिकार को समझता है, ये बात मैं कह रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए, आपका नाम क्या है? दिन से हमने किया, कम से कम 10% लोग मर गए, जवान जवान लड़का। किसे मरल? डस्ट जो उड़ो है ना, गाड़ी आवो हिंदे से जो चास बटले आवो, हाँ तो अंधार भ जाए, हमू आए, लेकिन साला सूझे ही नहीं, डस्ट इतना मारे से सूझे ही नहीं। बस इतने नंबर गाड़ी जी के, मतलब 22 चक्का गाड़ी ऑन कंट्रोल इना हो, वह साला ढुकी जाए। हाँ बताइए प्रबंधक जी, आप मुझे बताइए, आप यहाँ लोगों की जमीन गई, उनको तो मुआवजा जैसे तैसे दिए, लेकिन उसके बगल में लोग जो प्रभावित, प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं, लोग जो मर रहे हैं, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा बताइए आप हमको? कोई नहीं लेता है। अभी तीन विधायक आता है, 2-3 लाख रुपया में फैसला कर देता है, उसके बाद वो अपने बगल से ले लेता है। ऐसे ऐसे विधायक को वोट दीजिएगा तो क्या क्या करेंगे? कौन जानता है कि बिहार घर में मार भात होता है ना, तो डुबा लेकर जाएंगे। एक बार में नहीं जाने, कोई जानता है? दो बार ना उसको जिता दिए, दो बार जीता है, लेकिन ठीक है वो जीत गया है, लेकिन बात है कि देखिए उन्हीं का ठीका चलता है, उन्हीं का सब कुछ चलता है, उनका बांधा हुआ है। एगो हम लोग का एक छोटा मोटा नेता उभरा तो उसको भी महीना बांध दिया, इसका तो काम है यही, महीना बांध दिया। हाँ, महीना बांध दिया। कितना महीना बांध दिया? कितना महीना? जितना हुआ देखिए, देखिए देखिए क्या क्या बात कर रहे हैं। हाँ ना, तो ऐसा ही होता है नेता लोग को, आप क्या बोलिएगा, नेता बनता अपने लिए बनता है, ये लोग को भी महीना बांध देगा? ना ना, ये लोग कहाँ नेता है, ये लोग तो कार्य करता है, ये लोग कार्य, हाँ ये लोग तो कार्य करता है, ये लोग तो कहाँ सिपाही है, वो पार्टी का सिपाही है। अच्छा। और जो दरोगा है, मान लीजिए जो नेता है, वो तो अपना एक बार में देखते हैं ना। यहाँ पे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो वर्तमान यहाँ के विधायक है अमर कुमार बावरी जी, उन पर भी बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि उनको भी महीना बांधा गया है। आज सरकार ने बोला कि 75% यहाँ का लोकल को नौकरी देना पड़ेगा। दो बार विधायक बनी गलो, यहाँ लोके ओकरा दो बार जिताएल थी, समस्या जखन हो होय तखन सुनो कि नहीं, सेटा साफ साफ कहाँ एखन तक तो कोनो समस्या नहीं सुनल है। विधायक बनी गल ओकरा तो देखली आय के कान रहा है, जखन फर्स्ट बेर विधायक बनल है तखन कान रहा है कि बारे हमारे वोट ता दाना तो मरे जाब, हाँ मरे जाब, आर हमार कोनो नहीं। तखन कहलिए ओकरा लोके दया देखी वोट दे दिलथिन, कुछ यहाँ के झारखंड के लोग दया है, फिर भुगता दया। हाँ तो बस, तो बाद
घूरी के विधायक बन ले देखा ना कि अखन अवस्था है। यदि भाईक भी है यदि 3 करोड़ टका खर्चा कर पा रहे तो टाका टाका है हाँ तो टाका है तो कहाँ तो यहाँ मैंने फील्ड फाँका है ओकर टाका है फील्ड फाँका है। ये देखिए ये जो है ना ये यहाँ के पीड़ित लोगों की आवाज़ है जो अब तक कोई चैनल दिखाने का साहस नहीं करता है। और ये जो प्रबंधक है ना इले वेदंता कंपनी का उनकी कान तक आवाज़ भी नहीं जा रही आज। लेकिन मैं बता दूं प्रबंधक महोदय जी हम इसी एरिया में रहते हैं ठीक है और यहाँ के हर एक लोगों से वाकिफ हैं। जिस दिन ये लोग अपने औकात में आ जाएंगे उस दिन फिर आपको भी औकात बता देंगे कि क्या है। चलिए ये है जिला परिषद ना जी आपका नाम क्या है बताइए। मेरा नाम रामपत दास है। मेरे पत्नी जिला परिषद सदस्य 27 नंबर चंदन कैरी से। आपकी पत्नी है जिला परिषद सदस्य है लेकिन ये वो बात हम पूछ रहे हैं बताइए कि आप लोग कब तक बर्दाश्त करते रहिएगा इस तरह का अत्याचार। देखिए मैं ग्रामीण टीवी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं एकदम दीजिए कि आज तक जो भी यहाँ प्रतिनिधित्व किए हैं वो सिर्फ बिकने का काम किया है। और आप लोग देखे होंगे कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व में इस वेदंता कंपनी या इलेक्ट्रो स्टील कंपनी में कभी भी कोई आंदोलन या कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था। ये पहली बार है जो कि कांग्रेस पार्टी के हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स लोग हैं सभी के ये मौजूदगी में ये आज वेदंता कंपनी को चेतावनी दिया जा रहा है कि आप सुधर जाओ नहीं तो सुधारने के लिए हम लोग जनमानस झारखंडी काफ़ी हैं। और आप लोग के आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रबंधन को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रदूषण हो या जो सब 75% का जो यहाँ पे आरक्षण का जो स्थानीय का रोजगार का जो ये है ये अगर कंपनी यथाशीघ्र अगर नहीं देती है तो इसके लिए हम लोग जन जन तक संदेश पहुँचाएँगे और जोरदार आंदोलन करेंगे। इसके लिए कुछ भी करना पड़े अपना अधिकार ले अपना अधिकार लेकर के दिखाएंगे। एक स्टेप हम लोग जीत चुके हैं 32 का खतियान लेकर के दूसरा जो है वेदंता कंपनी में बहुत जल्द हम लोग हाथ डालने वाले हैं। ये बात तो सही है प्रबंधक महोदय जहाँ भी आप कंपनी चला रहे हैं जिनकी ज़मीनें गई उनको तो आप किसी तरह जो भी है नौकरी दिए हैं लेकिन जिनकी ज़मीनें नहीं गई वो प्रदूषण का शिकार होंगे। इस प्लांट में कोई ऐसा विस्फोट होगा उनका शिकार होंगे। तो पहला प्राथमिकता जो प्लांट के इर्द गिर्द रहते हैं उनकी बनती है तो आप उनके हिसाब से नियोजन देने का काम करें। और बताइए गांव के लोग हैं कुछ हिंदे और की नाम बताओ। बैद्यनाथ चौबे की कहले चाहिए प्रबंधक महोदय के। प्रबंधक महोदय के कहे चाहे कि हमारे आज 8-9 साल से दुकानदारी सब बंद भर रहा है कोनो रकम दुकानदारी के रोजी रोजगार चला लिए किधर बुतर पालो लिए डस्टे कारण कोनो लोग सौरभ नहीं कर रहती और पानी तानी नाश्ता वास्ता खाना वाना सब बोले डस्ट डुकी जाए फाइन से एक डस्ट हो कोयला एक डस्ट तो को नौकरी मांगे नहीं गले नौकरी मिलबे नहीं करो कितना बेर गलिए दौड़ लिए हमरा के जबकि सब कुछ है सर्टिफिकेट रहे तो हमरा नौकरी नहीं हमरा केला नहीं कहाँ बंगाल एक लोग आने के ड्राइवरी तक नियोजन नहीं पाए हमरा हमरा जबकि लाइसेंस रहे थे जब जाके बंगाल एक लोग बहाली करो ड्राइवर में तो की करवे हमारे हमारा दुर्भाग्य ये है। कभी कभी मैं एक गुप्त बात बता दे रहा हूँ कि यहाँ के स्थानीय लोगों को कंपनी इसलिए नहीं रखना चाहती है क्योंकि उसको पता है कि ये लोग हक अधिकार लड़ कर लेंगे और कुछ भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे अन्याय की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए ये कंपनियाँ जो है कि अक्सर हम देखते हैं बाहर के लोगों को रखती है। ये हमारे यहाँ के लोगों की बोलिए लाचारिता बोलिए या फिर कंपनी का अपना खेल बुझे। तो हर नाम टकी वाले को बताओ तो अपन कुमार दुबे हाँ की कहा लग जाए बताओ। ONGC हो इलेक्ट्रिक स्टील हो वेदांता हो जो भी कंपनी बैठ रहा है सब बाहर से आके काम कर रहा है। हमारे यहाँ के मजदूर 10,000 मजदूर डेली तलगड़िया से तलगड़िया मोड़ तक 10,000 मजदूर निकलता है इस रोड से और 10,000 मजदूर बाहर से आके काम कर रहा है इलेक्ट्रिक स्टील में और जो आता है उसके टकराव में हमारे ग्रामीण मजदूर ही मरते हैं जो रोड पर चलते हुए प्रदूषण का शिकार बनते हैं मरते हैं। यहाँ के रोजगारों को माने रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है 10,000 तो डेली साइकिल मोटरसाइकिल से जाता है बाकी तो माने 20-30% लोग बाहर राज्य में काम करने के लिए जाता है और यहाँ आके बाहर के मजदूर काम कर रहा है। अतः तो यहाँ के मजदूरों को प्राथमिकता देकर यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करा जाए और प्रदूषण को कम करते हुए यहाँ की जनता को राहत का
माने रास्ता दिया जाए, क्योंकि यहाँ का जनता कंपनी के शोषण से त्रस्त है। जे सीएसआर में जो काम प्रशिक्षण देने वाला जो है प्रशिक्षण दे देता है, लेकिन बोलता है कि जाके गुजरात में काम कीजिए, आसाम में काम कीजिए। अगर प्रशिक्षण देना ही है तो प्रशिक्षण दे के आप अपने कंपनी में काहे नहीं जॉब देते हैं। यहाँ जो नर्सिंग ट्रेनिंग करवाते हैं, यहाँ एक हॉस्पिटल कीजिए, आपके कर्मचारी को भी दिखाएगा और ग्रामीण जनता भी दिखा सकता है। आज आप रहते यहाँ पर तो स्कूल भी होता है, स्कूल में हमारे बच्चे भी पढ़ते, आपके कंपनी के बच्चे भी पढ़ते, लेकिन कोई यहाँ माने जब भी पढ़ता होता है कि यहाँ का विकास होगा, विकास नहीं, यहाँ का विनाश हो रहा है। आज नहीं कल समझेंगे लोग प्रदूषण से, इसे सब माने स्वास्थ्य से, आर्थिक स्थिति से सब बिगड़ जाएंगे। तो चलिए, ये चास एवं चंदन क्यारी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में आए लोगों की बात आप लोग सुन रहे थे, और ये बासा बांधी है जहाँ से मैं अभी बैठा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। आप लोग जी भर के इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना राय रखें, क्योंकि आपके अपने भाई के अधिकार की बात है, आपके अपने बहन के अधिकार की बात है। तो आप निश्चय ही है इस वीडियो को इतना हद तक शेयर करें कि जो सोए हुए हैं उसकी नींद जाग जाए, नींद खुल जाए, और हमें अधिकार देने के लिए वो बाध्य हो जाए। तो चलिए, और एक सज्जन हैं, जरा हम उनसे देखेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद कासिम काजी है, नोडिया ग्राम नोडिया के रहने वाले हैं, थाना चंदन क्यारी। मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, बीस सूत्री सदस्य चंदन क्यारी, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस। मेरा कहना है कि जब से ये कंपनी बैठा है, इस कंपनी को बैठाने के लिए मेरे नौजवान ने और मैंने लोगों ने कितना कुर्बानियाँ दिया है जिसको गिनती नहीं दे सकते हैं आप। कुर्बानी कैसे? बहुत तरह की कुर्बानी दी है, ज़मीन से कुर्बानी दी है, ज़मीन दे करके और दाम से दे करके कंपनी को बैठा है। वो ये नहीं कुर्बानी नहीं है जो अभी इस वक्त वो डिसमिल कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का डिसमिल का जमीन था, उसको 5,000-10,000 उन्होंने 500-600 में दे करके वो कुर्बानी नहीं है, बहुत बड़ा कुर्बानी दे करके इस कंपनी को बैठा है। आज तक इस कंपनी का एहसास नहीं कि इस क्षेत्र के लोगों का दुख दर्द क्या है। तो इस क्षेत्र के लोग दिमाग में जाती क्यों नहीं है कोई बात? इस क्षेत्र के लोगों को बोलिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए रहबर वैसा नहीं था। जो भी MP और MLA ये हमारे समझ लीजिए आज कई दशकों से बाहर के लोग जीत के आ रहे हैं, जो काम नहीं कर रहा उनको काम करना, जनप्रतिनिधि हो करके वो काम करना चाहिए, जो कि एक पैसा का काम नहीं किया आज तक। जो भी बेचारे इस अतराक के लोग जनता आते हैं, प्रबंधक से मिलता है वगैरह कर, उनको तो ठोकराया जाता है, जानबूझ कर उसको ठोकराया जाता है, धमकी दिया जाता है, ज़्यादा दबाव करे, जबकि हमारे यहाँ के हमारे 75% हम इस क्षेत्र के लोगों को इनको नौकरी देना चाहिए। अभी तक लगभग 8-10% इस क्षेत्र के लोग भर्ती है, इसलिए मेरा मांग है इस कंपनी से कि 75% लोगों को लिया जाए इस कंपनी में, और नहीं तो हम लोग इस तरह के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से हम लोग इसके लिए जो भी करना होगा, चाहे सिंगूर बनाना पड़े, सिंगूर बना करके इसको हटा। यानी कुल मिलाकर आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी आक्रोशित हैं अपने अधिकार को लेकर, और कंपनी जो है कि अपनी रवैया को जो है कि बनाई रखी है, यहाँ के लोगों को हक अधिकार से वंचित कर रही है। ये अगर मेरे प्रबंधक महोदय अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं, तो जो भी सरकार के द्वारा जो 75% स्थानीय लोगों को मतलब लेने की बात है, उसको आप जितना जल्द हो सके उसका प्रोसेस शुरू करें, अन्यथा बहुत बड़ा उलगुलान होने जा रहा है जहां तक मुझे लगता है। ये आपका आपका नाम क्या हुआ? बलराम रवानी। जी जी, जल्दी शॉर्ट में रखें, हाथ माइक ऐसे बोलें। देखिए, आज हमारा चास एवं चंदन क्यारी प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित जो प्रेस वार्ता के द्वारा कार्यक्रम रखा गया, इसमें हम कहेंगे कि सियालजुड़ी पंचायत के गांव तेतुलिया में मेरा घर है, लेकिन सियालजुड़ी के आरो हमारा अगल बगल सभी ग्रामीण किसान भाइयों से जो जमीन लिया गया, उस हिसाब से हमारा जनता का रायत का
बहुत सा कठिनाई है कि कोई फायदा मिला नहीं। चलिए आज तक हम लोग देखते आए, लेकिन हमारा सर्जन बरियर सभी भाई साथी गुरुजनों से जो निर्णय आज हम लोग का होगा, इस निर्णय को लेकर के हम लोग महिला हो जेंट्स हो पूरा ग्रामीणों के साथ हम लोग आंदोलन जो करेगा उसमें हम लोग सहमति है, चाहे हम लोग को जो करना पड़ेगा, यानी हम लोगों को जो करना पड़ेगा। एक और बुजुर्ग हैं मेरे साथ में, इनके बात हम एक बार और सुना देते हैं। आप बताइए कि एक अभिभावक तुल्य व्यक्ति हैं, हर परिस्थिति को समझते हैं, झारखंड आंदोलन को भी देखे, देश के आज़ादी को नहीं देखे कि कैसे लड़के लिए हैं, लेकिन वर्तमान में आप दो लाइन में मुझे बताइए कि क्या करने से जो है कि यहाँ के लोगों की भलाई होगी, और कंपनी के प्रबंधक महोदय को क्या कहना चाहते हैं। मैं सबसे पहले कंपनी के प्रबंधक महाशय से बोलना चाहूँगा कि यहाँ जो इतना गांव का जमीन जो 1,000 और 2,000 में ठगने का काम किया और लिया, आज सबको समुचित लाभ नहीं मिल रहा है, इसको तुरंत लाभ पहुँचाएँ और प्रदूषण को रोकें, और नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन एक दिन कर ही लेंगे। कंपनी रहेगा चाहे हम लोग यहाँ के आम जनता रहेगा। क्या बात है, बार बार लड़ा होगा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत सारे लोगों से मैंने कंपनी को हम लोग दे रहे हैं, प्रबंधक को और बोकारो प्रशासन को भी दे रहे हैं। तो मैं यार बोकारो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। जय झारखंड।